उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद के बिजली विभाग से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां बिजली विभाग के एक अधिकारी ने अपने ऑफिस में दुनिया के सबसे बड़े आतंकी रहे ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगा दी। फोटो के जरिए ओसामा बिन लादेन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ अवर अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर बताने की कोशिश की गई। नवाबगंज बिजली निगम कार्यालय में रविंद्र प्रकाश गौतम SDO के पद पर तैनात हैं। यह मामला सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद तूल पकड़ता जा रहा है। बिजली कर्मचारी जब मंगलवार सुबह कार्यालय पहुंचे तो आतंकी ओसामा बिन लादेन का फोटो देखकर हैरान रह गए। कर्मचारियों ने इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। जब भनक अधीक्षण अभियंता AK श्रीवास्तव को लगी तो उन्होंने फौरन फोटो हटवाकर जांच के लिए कमेटी का गठन किया। इस मामले में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि ओसामा बिन लादेन हमारे गुरु हैं, यदि फोटो हटाई जाएगी तो दूसरी लग जाएगी। जानकारी के मुताबिक SDO ओसामा बिन लादेन को अपना आइडियल मानता है। वायरल फोटो में आतंकी ओसामा बिन लादेन की तस्वीर के नीचे लिखा है कि श्रद्धेय ओसामा बिन लादेन, फिर लिखा है विश्व का सर्वश्रेष्ठ अभियंता। फोटो में सबसे नीचे इंजीनियर रविंद्र प्रकाश गौतम विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। प्रबंध निदेशक अमित किशोर ने बताया कि अपखंड कार्यालय नवाबगंज में SDO रविंद्र प्रकाश गौतम करीब 1.5 साल से तैनात हैं। उनकी उच्च अधिकारियों से नहीं बनती है, अधिकारियों के खिलाफ अक्सर वह पत्राचार करते रहते हैं।